दोस्तों अगर हम अभी के टाइम की बात करें तो अभी के टाइम में सबसे सस्ता स्मार्टफोन आपको 5G नेटवर्क के साथ मोटो जी देखने को मिलते हैं, जो लगभग आपको 21,000 रुपए की कीमत में मिलते हैं। यहाँ आपको 5G नेटवर्क देखने को मिलते हैं, स्नैपड्रैगन 750G के एक पावरफुल SoC मिलते हैं। लेकिन गाइज मैं आपको बता दूं कि दिसंबर के महीने में रियलमी X7 सीरीज को भी डेफिनेटली इंडिया की मार्केट में ऑफिशियली लॉन्च कर दिया जाएगा और रियलमी X7 सीरीज के अंदर भी आपको कम कीमत के अंदर 5G नेटवर्क देखने को मिलेगी। गाइज रियलमी के CEO माधव सेठ ने कल ट्वीट करके बताया था कि आपको Realme X सीरीज पर कितना अच्छा डिजाइन मिलता था और Realme 7 पर, तो इससे हमें थोड़ा हिंट देखने को मिल जाता है कि Realme X7 सीरीज आपको डेफिनेटली दिसंबर के महीने में ही देखने को मिल जाएगी और Realme X7 पर भी आपको 5G नेटवर्क और पावरफुल स्पेसिफिकेशन मिलेगी। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा Realme X7 और X7 Pro दोनों स्मार्टफोन के बारे में, बताऊंगा कि ये स्मार्टफोन कब तक लॉन्च किए जा सकते हैं और किस कीमत के अंदर इंडिया के मार्केट में लॉन्च होंगे। गाइस अगर आप ये सब कुछ जानना चाहते हो तो बिना स्किप के वीडियो क्लास तक जरूर देखें और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साइड में बेल आइकन को जरूर दबाएं और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो जिसकी लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मोबाइल फोन के प्रोसेसिंग पावर की। तो मैं आपको बता दूं कि Realme X7 सीरीज के अंदर दो नए स्मार्टफोन मिलेंगे, X7 और X7 Pro। दोनों मोबाइल फोन पर भी आपको 5G नेटवर्क देखने को मिल जाएगी क्योंकि दोनों स्मार्टफोन पर आपको MediaTek Dimensity का SoC मिलेगा। X7 पर हो सकता है आपको 800U का SoC मिले और X7 Pro पर आपको Dimensity 1000 Plus का SoC देखने को मिल जाए। दोनों मोबाइल फोन पर आपको पावरफुल प्रोसेसर मिल जाएगी, अलग अलग रेम वेरियंट्स भी देखने को मिल जाते हैं। बात करें दोनों मोबाइल फोन की डिस्प्ले की तो दोनों मोबाइल फोन पर आपको Full HD+ के रिजोल्यूशन के साथ सुपर एमोलेड पैनल देखने को मिल जाएगा, पंच होल कटआउट मिलेगा और इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर और कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन मिलेगी। लेकिन गाइस इंटरेस्टिंग बात यह होगी कि X7 Pro पर आपको हाई रिफ्रेश रेट मिलेगा, यानी कि 120Hz रिफ्रेश रेट वाली डिस्प्ले आपको X7 Pro मोबाइल फोन पर दी जाएगी। तो नो डाउट ये दोनों स्मार्टफोन डिस्प्ले के मामले में वाकई में काफी अच्छे मोबाइल फोन रहने वाले हैं। अगर हम दोनों मोबाइल फोन के कैमरा सेटअप की बात करें तो दोनों मोबाइल फोन पर आपको 64 MP के क्वाड कैमरे का सेटअप देखने को मिलेगा, लेकिन जो प्राइमरी कैमरे के अंदर सेंसर का यूज किया गया है, X7 पर आपको IMX682 का सेंसर मिलेगा और X7 Pro पर आपको IMX686 का सेंसर देखने को मिल जाएगा। बाकी के सेम आपको सेंसर देखने को मिल जाते हैं, अल्ट्रा वाइड एंगल सेंसर, डेप्थ सेंसर और मैक्रो सेंसर। दोनों मोबाइल फोन पर आपको 32 MP का सेल्फी कैमरा भी दिया जाएगा। अगर हम बैटरी लाइफ की बात करें तो ऐसे में दोनों स्मार्टफोन आपको मैसिव बैटरी के साथ मिलेगी, दोनों पर ही आपको 65 वाट की डार्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाएगा। लेकिन X7 पर आपको 4300 mAh की बैटरी मिलेगी और X7 Pro पर 4500 mAh की बैटरी दी जाएगी और हो सकता है कि जब स्मार्टफोन इंडिया के मार्केट में लॉन्च किया जाए तो इन दोनों स्मार्टफोन के आउट ऑफ द बॉक्स आपको एंड्रॉइड 11 का सपोर्ट मिल जाए और Realme UI 2.0 भी देखने को मिल जाए। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि गाइस ये स्मार्टफोन ऑलरेडी चाइना की मार्केट में लॉन्च हो चुके हैं। चाइना की मार्केट में आपको 3.5 mm का ऑडियो आउटपुट जैक और माइक्रोएसडी कार्ड का डेडिकेटेड स्लॉट देखने को नहीं मिलता था, बट गाइस मुझे ऐसा लगता है कि जब भी स्मार्टफोन इंडिया के मार्केट में ऑफिशियली लॉन्च किए जाएंगे तो डेफिनेटली इनके अंदर आपको 3.5 mm का ऑडियो आउटपुट जैक और माइक्रोएसडी कार्ड का एक डेडिकेटेड स्लॉट भी देखने को मिल जाएगा। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये दोनों स्मार्टफोन काफी अच्छी स्पेसिफिकेशन के साथ लॉन्च किए जाएंगे। अगर हम प्राइस रेंज की बात करें तो जो रियलमी X7 होगा ये करीब आपको 20,000 के आसपास मिलेगा और X7 Pro आपको करीब 23 से 25 हजार रुपए के आसपास देखने को मिलने वाला है। अगर गाइस ये स्मार्टफोन सेम इसी कीमत के अंदर लॉन्च किए जाते हैं तो डेफिनेटली ये दोनों स्मार्टफोन वाकई में काफी अच्छे रहने वाले हैं। अब बात करते हैं कि स्मार्टफोन आखिरकार कब तक इंडिया के मार्केट में ऑफिशियली लॉन्च कर दे जाएंगे। तो ऐसे में आपको बता दूं कि Realme के CEO माधव सेठ ने थोड़ा हिंट भी दे दिए हैं, तो इससे हमें काफी हद तक ये पता चल जाता है कि Realme X7 सीरीज आपको बहुत ही जल्दी इंडिया के मार्केट में देखने को मिलने वाली है, जो कम प्राइस में 5G नेटवर्क के साथ लॉन्च की जाएगी। अगर गाइस आने वाले समय में Realme X7 सीरीज को लेकर कुछ भी इन्फॉर्मेशन सामने आती है तो मैं तुरंत आपके साथ शेयर करूंगा। तो ऐसे में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साइड में बेल आइकन को जरूर दबाए और ऑल के बटन पर जरूर क्लिक करें। तो चलिए गाइस अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।